धुंध देखें कितनी तेज़ पड़ रही है इस टाइम, और इतनी शदीद किस्म की कोई सर्दी है ना, आपको मैं बता नहीं सकता। डेली यार गाइस अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग पड़ी है। अभी सुबह फजर का टाइम है और अभी मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने बर्ड्स के लिए जो है कोयले लगाए जाएँ। हम रात को डेली लगा के जाते हैं, यहाँ पर देखें रात को भी हमने लगाए हैं। ये पेटी वेटी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये बर्तन पड़ा है, एक वो पड़ा है। केज बड़ा है ना, तो हम दो दो बर्तन लगाते हैं। अंदर का टेम्परेचर बाहर से फिर भी गुजारे हाल है। तो कहीं ये सॉफ्ट फूड के जो बर्तन हैं ये हमने कल इनको दिए थे, तो ये भी फटाफट निकाल लें थे, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्ट फूड पड़ा नहीं ना तो उस पर फंगस लगना शुरू हो जाती है, तो फटाफट उठा दें पहले ये। तो कहीं ये वाला ताला जो है एक लेके आया, तो ये वाला हमें कलोनी के अंदर जो है ना, कलोनी के अंदर नहीं सॉरी दरवाजे पर जो है हमें ताला लगाना है, क्योंकि यार हमारे घर में आपको पता है बच्चे कितने, तो वो अक्सर शैतानी कर देते हैं, तो हमें डर रहता है कि यार कहीं दरवाज़ा ना खोल दें, क्योंकि ये दरवाज़ा है भी, इसकी जो कुंडी है ना देखिए कैसे ढीली है, आराम से खुल सकती है। तो ये वाला ताला ख़राब था, तो अभी जो है ये वाला ताला लगा लेते हैं। गाइस आज जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, वो जो है मैं आपको फार्म हाउस पर जाके बताऊँगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सुबह है, पर थोड़ी देर बाद हम जाएँगे जब थोड़ी धूप वूप निकल आएगी, तो तब जो है फार्म हाउस पर जाके मुझे आपको कुछ दिखाना है और बताना भी है और कुछ लेके भी आना है, तो वो आपको मैं सारी डिटेल जो है फार्म हाउस पर जाकर ही बताऊंगा। अभी जो हम फटाफट कोयले लगा लेते हैं, वो भर ले बस। तो अभी जो है कहते हैं फटाफट कोयले लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा यार, अल्लाह जी। बाकी ये टर्की बर्ड्स वगैरह तो पैक हैं, मोर वगैरह। तो गाइस फाइनली कोयले जो हैं तैयार हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म सेक दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी जो है इसको इसके अंदर रखते हैं, ये जो स्टैंड सा है। मज़ा तो तुम्हें आ रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है भाई, ये पूरा धुआं मुंह में। तो गाइस इसको जो है अभी अंदर रख देते हैं, कोयले जल चुके हैं, तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ये उठा के ले आएगा ऐसे। और रुक जा, देखिए माशाल्लाह गाइस कितना अच्छा से बल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जाए पूरा जो है गर्म कर देगा, तो अभी हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, मैंने सोचा था कि टाइम पर हम जाएंगे फार्म हाउस पर, अभी जो है दोपहर हो चुकी है, शाम होने वाली है, एक दो घंटे के अंदर शाम हो जाएगी। तो फटाफट निकलते हैं यार, हम जो है फार्म हाउस पर जाते हैं। अभी आपको जाके ना वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सी चीज़ लाएँगे, और आपको जो न्यूज़ बतानी थी ना वो भी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों फार्म हाउस पर आ चुके हैं, और ये गायों वाली साइड पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है ना गाय के बच्चे नज़र आ रहे होंगे, एक भैंस का भी है, और इसी के बारे में मुझे यार आपको न्यूज़ बतानी है। आप ये वाला बच्चा देख रहे हैं, ये इसकी एज अभी गाइस 2 दिन है, और इसकी जो मदर है ना गाइस वो जो है फौत हो गई है, वो बेचारी आप देख सकते हैं ये वीडियो में, वो बेचारी पता नहीं एक्सपायर हो गई है, उसको क्या मसला था, कमज़ोरी की वजह से जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और ये देखें कितना मासूम बेचारा, ये यतीम हो चुका है, और यार ये इस पे जो है मुझे बड़ा तरस आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको हम साथ घर ले जाएं, वहाँ पर इसकी अच्छे से केयर करेंगे, इसकी खातिर करेंगे, ये है भी फीमेल है। तो अभी जी दोस्तों मैं इसको जो है फीडर जो है दूध फीडर के ज़रिए इसको दूध पिलाने की कोशिश करूँगा, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि जब इसको हम लेकर जाएँ तो घर पर भी जो है मैं इसको अच्छे से पिला सकूँ दूध, और काफ़ी मुश्किल हो रही है, तो थोड़ी देर में जो है। तो अभी जी गाइस बारी है इसको लेकर जाने की अपने मिनी जू में, तो फटाफट इसको जो है हम डिग्गी में डालते हैं गाड़ी की और साथ लेके चलते हैं। रो ना पई बस, तू पैहे पुहे भी सुटा पावी हो स्टेरी, हां पैहे पुहे भी सुटा स्टेरी, इशादे स्टेरी ने बिठाई। 1 मिनट
ਅਜੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਨ ਡਿਆ ਦੇ ਕਿ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਬੰਦ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਲ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਮ ਸੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕਿਊਟ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ तो गाइस ये सीन था कि इसकी जो है मदर जो है वो फोत हो गई है तो ये बेचारा यतीम है तो मैंने सोचा कि यार इसको क्यों ना हम अपने मिनी ज़ू में रखें और इसकी अच्छे से केयर करेंगे ये है फीमेल है और इंशाल्लाह देखेंगे गाइस इसकी हम कैसी केयर करेंगे और अभी फटाफट इसको घर लेके चलते हैं अभी शाम हो चुकी है यार हम बहुत ही लेट हो गए हैं मैंने सोचा था इसको दिन दिन के अंदर लेके चलेंगे पर यार थोड़ा काम शाम की वजह से जो है ना नहीं जा सके तो अभी फटाफट जो है इसको लेके चलते हैं और घर में इसकी कोई जगह बनाते हैं। हमने इसको गाड़ी से उतार लिया नीचे और देखिए माशाल्लाह ये कितना ही क्यूट है ये अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा डरा डरा फील कर रहा है तो इसके साथ जो है हम थोड़ा सा लाड प्यार करते हैं ताकि ये ठीक हो जाए तो अभी जो है इसको कहाँ पर रखें इसकी कोई जगह बनाते हैं गाइस ये थोड़ा टाइट है या ठीक है यार ये आ ही नहीं रहा गाइस अजीब सी हरकतें कर रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम्हारे नए घर में तुम्हारा वेलकम है आ जाओ ये लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर दो जल्दी से ले आओ ले आओ माशाल्लाह देखिए गाइस ये कितना क्यूट है यार ये अच्छा खासा भारी है चलो जल्दी जल्दी नीचे रख दो नीचे रख दो यहाँ पर नीचे ले आओ थोड़ा इसको मिनी ज़ू तो घुमाएं अभी नहीं अभी तो ये रात है सुबह के टाइम इसको अच्छे से हम यहाँ पर खुला छोड़ेंगे थोड़ा ये भाग दौड़ करेगा यहाँ पर गाइस मेरा जहन बन रहा है कि इसको हम यहाँ पर रखें अभी यहाँ पर रखते हैं कल जो है कुछ सोचेंगे इसके लिए कुछ जगह का अभी यहाँ पर ही रखते हैं क्योंकि ये जगह थोड़ी गर्म भी है यहाँ पर पराली वगैरह बिछाई हुई है टोड़ी वगैरह और यहाँ पर तरपाल भी है प्लास्टिक जो है और बिल्कुल अच्छे से हीट रहेगा यहाँ पर ये उस जगह पर उस पर जो है हम कोई कम्बल वगैरह डाल देंगे तेरा कम्बल लेके आ जा जल्दी जा आ जाओ घर में चलते हैं तुम्हारे तो गाइस इसको जो है ये कोट पहना दिया गया है और अब देखें माशाल्लाह ये कैसी लग रही है आगे आगे आगे, आगे। यार गाइस ये जो है ना एक मसला कर रही है बहुत ही ज़्यादा जो है ना बोल रही है जब हम इसके पास होते हैं तब चुप रहती है कोई मोरनी और तंग नहीं करना इसे मेहमान है तुम्हारे पास एक इसकी थोड़ी खातिर करो जाओ चाय वाय लेके आओ और गाइस ये कि जब हम इसके पास होते हैं ना तब ये चुप रहता है बोलता नहीं है जब हम इसको छोड़ के जा रहे हैं ना तो फ़ौरन से आवाज़ें निकाल रहा है हमें बुला रहा है तो यार ये इसको जो है साथ सुला लो यार आज से इसके साथ थोड़ी देर हम खेलते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स हो जाए इसको ये कोट हमने गाइस पहना दिए देखें घर वालों ने ये जो है ना इसको कोट पहना दिए मैं इसके लिए गाइस कल अच्छे से शॉपिंग करूंगा अच्छी सी इसके लिए जो है ना एक हुडी लेके आऊँगा उसमें बहुत प्यारा लगेगा और अभी जो है यही इसी से गुजारा करते हैं काफ़ी मोटी चीज़ है देखें ना गर्म है काफ़ी मोटा है ये इसमें अच्छे से गर्म रहेगा हाँ मेरा बच्चा कितना क्यूट है ये तो अभी जो इसको गाइस यहीं पर छोड़ते हैं ताकि ये रात यहाँ पर सो जाए अभी यार अंदर का टेम्परेचर बाहर से काफ़ी नॉर्मल नहीं मैंने यही तो कहा था कि ये प्लास्टिक का बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर गाइस अच्छा खासा जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल है बाहर की नस्बत बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है अभी जो है ना गाइस हम यहाँ पर कोयले लगाएंगे बाहर बैठ के कोयले यहाँ पर क्या हो गया ये रस्सी तो नहीं फंस गई हुई ये खोल देते हैं आराम से इसको रिलैक्स फील करेंगे यार फिर ये सोएगा नहीं ऐसे ये मिट्टी चाटता नहीं मिट्टी नहीं चाटेगा तूड़िया नहीं चाटता ये दाना ना खा जाए नहीं खाएगा इसको गाइस यहाँ पर जो है ना बिठा देते हैं थोड़ा ताकि ये रिलैक्स हो जाए ये यहाँ पर डर रहा है अजीब सा ये कोट के अंदर देखेंगे गाइस कितना प्यारा लग रहा है उधर बहुत सारे थे ना तो उस वजह से वो डर नहीं कर रहा आ जा इसका नाम क्या रखेंगे यार इसका नाम गाइज आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि हम इसका नाम क्या रखें अभी इसका हम कोई नाम नहीं रख रहे आपने कमेंट्स में बताना है एक दो नाम है मेरे जहन में पर आप भी कमेंट्स कर दीजिएगा फिर हम उसके बारे में सोच लेंगे कि क्या नाम रखें माशाल्लाह क्यूट तो ये बहुत है यहाँ पर अभी अच्छे से रात रह लेगा तो गाइज आज का ब्लॉग एपर एंड करेंगे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।